चलिए ठीक है, आधा पढ़ ले, हमसे भी खतरनाक राइटिंग है तुम्हारा। किस विधानसभा ने लोकायुक्त पास किया? इजराइल के नए राष्ट्रपति मेजर ध्यानचंद स्टेडियम, ताल कटोरा स्टेडियम। ये क्या लिखा है? त्यागराज, लाभराज लिखा है, त्यागराज स्टेडियम। किस विधानसभा को पुस्तकालय के लिए कंप्लीट लिखा? मालदीव के राष्ट्रपति जी ने 11 साल की सजा। अब्दुल्ला या अटल स्मारक ग्वालियर। सीबीसी के नए अध्यक्ष प्रवीण कुमार, प्रवीण कुमार। थ्री डी प्रिंटेड घर कहाँ बनाया गया? अहमदाबाद। नीलगिरी परियोजना तमिलनाडु। साहित्य एकेडमी पुरस्कार कितने भाषाओं को? 24 भाषाओं को। 24 भाषा को। तुम छिलल मुर्गा, लिखता एकदम खतरनाक है। सबसे अधिक कमाने वाली हाल ही में ओपन एरिया थिएटर किस राज्य में? क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने किस क्लब को ज्वाइन किया? कृत्रिम हार्ट किसने बनाया? ब्राजील के 39वें राष्ट्रपति, तुम ही बताओ, तुम बताओ किसने शपथ लिया ब्राजील के राष्ट्रपति के रूप में? इस गधा से पूछ रहे हैं कि बताओ किसने ब्राजील के 39वें राष्ट्रपति की शपथ लिया, तो कह रहा सब ठीक बता रहा है सब। वो तो ठीक बता ही रहा है सब। आप लोग बताइए, लूला डील सिल्वा, लूला डील सिल्वा। कृत्रिम हृदय, एनएचएआई के नए अध्यक्ष संतोष कुमार यादव। मांग देचू परियोजना, ताला परियोजना, दोगाचू परियोजना। जुआरी ब्रिज किस राज्य में? क्या लिख ले भाई? किस राज्य के विद्रोही संगठन के साथ समझौता हुआ? JUF नाम क्या है? JUF, JUF। लो भाई। अब आगे बढ़ते हैं। आज आपको हम वन पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? वन, और उसके बाद करेंट। पहले करेंट की पहले वन। हाँ, कितने लोग कहता है करेंट? अब बन कितना कहता है? बन, बन कम है सर। करेंट लगा दो, करेंट। बेचारा सबका मन है करेंट लगाने। आया है करेंट? हाँ, चलिए अब आगे पढ़ते हैं। हम लोग कल जो पढ़ाए थे थोड़ा सा उसको रिवीजन करके आगे बढ़ते हैं। भदावरी किसकी नस्ल है? अरबी। पंगानूर, थारपारकर, काठियावाड़ी, नागपुरी, हरियाणवी गाय, नागपुरी भैंस है जी, बन्नी भैंस, बन्नी हाफ लांगर, हाफ लांगर कौन मारा? घोड़ा मारा। कौन मारा? भुटिया। सुरती, सुरती भैंस, सुरती भैंस। स्पीति, स्पीति। चलिए याद तो है आप लोगों को जी। आज एक और नस्ल देख लेते हैं, फिर करेंट देखेंगे। हाँ, भेड़ का बोले थे।
चले जो भी रहेगा आजाद कर लेंगे। आगे चलिए बढ़ते हम लोग। देखिए आपको ना नस्लों में अगर 6-7 नस्ल याद हो जाएगी ना तो आप लमसम आपका काम हो जाएगा। आपको अगर खोल दो बाबू उसमें से थोड़ा सा बहुत हवा है, बहुत गड़बड़ है। आगे बढ़ो बाबू। हाँ एसी नहीं पीछे वाले मैंने ए रुको बाबू आप ही लोग की आज बात मान लेते हैं करेंटे बता देते हैं। थोड़ा बहुत हमको भी आता है यही है। इसको अरे सोचा तो नहीं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एज में जाके खुलेगा ये हमारा आईवे नहीं करता है बाबू। अरे भाई कहाँ गया जी ये ओके करे क्या अपने से हो रहा है ये सुबह से चलते चलते ही पगला गया है। ए न्यू स्टोरेज डिवाइस अच्छा ये कह रहा है कि ये को पेन ड्राइव मिला लेकर सोच रहा हम ही लगे ले हैं बता रहा है हमको ये पेन ड्राइव मिले ले चलिए इसी पे काम चला देते हैं। पेन ड्राइव लगाए ना तो कह रहा है ए न्यू स्टोरेज डिवाइस इज फाउंड अच्छा जो हम ही लगाए हमारे समझा रहे हैं आप चलिए काम चला लेते हैं। रेडी देखिए आज हम आप लोग का बात मान लिए कि नहीं मान लिए। हाल ही में बिहार में स्टेट आइकन मैथिली ठाकुर क्लासिकल गायिका हैं मैथिली ठाकुर समझ में गए कि नहीं। बिहार में स्टेट आइकन मैथिली ठाकुर आगे बढ़े चुनाव को मद्देनजर रखते हुए कई बार ऐसे आइकन देखिए यूथ को आइकन बनाने से क्या होता है कि नए प्रेरणा भी मिलती रहती है समझ में गए कि नहीं समझ में गया कि नहीं आ गया यहाँ पे। और संगीत में भी एक अच्छा अपना नाम बना चुके जहाँ भारत जहाँ बिहार के संगीत का स्तर गिरते जा रहा है वहां ऐसे संगीतकार बिहार के संगीत के लेवल को बढ़ा रहे हैं। तो स्टेट आइकन किसे बनाया गया हाँ मैथिली ठाकुर को जागरूकता फैलाने के लिए भी चुनाव वगैरह में भारत अपनी पहली अवशिष्ट से हाइड्रोजन परियोजना कहाँ के लिया गया। देखिए जो भी कचरे फैलते हैं ना उसे अपशिष्ट कहते हैं वेस्ट प्रोडक्ट उन कचरों से हाइड्रोजन बनाने की टेक्नोलॉजी पुणे में लाया गया है। कचरों से हाइड्रोजन बनाया जाएगा उस हाइड्रोजन का इंडस्ट्रियल यूज किया जा सकता है। इंडस्ट्रियल यूज में हाइड्रोजन गैस का यूज होता है ऑक्सीजन का भी यूज होता है इंडस्ट्रियल यूज में ही ऑक्सीजन ज्यादा होता है। कोरोना काल जब हुआ था फैक्ट्रीज बंद करके ऑक्सीजन लाया गया था तो अवशिष्ट से हाइड्रोजन बनाने की प्रक्रिया अवशिष्ट से हाइड्रोजन पुणे अवशिष्ट से हाइड्रोजन पुणे याद रहेगा। करेंट अफेयर का नोट लिखते चलो गधों कहीं के करेंट अफेयर के नोट्स दीजिए इनको ये क्या चीज है ये डायरेक्ट एक पकड़ा 5 रुपया का कॉपी खरीद लो 10 रुपया वाला 5 रुपया कॉपी नहीं मिलता है वो 20 का मिलता है जी ये भगवान
₹20 का मिलता है। ठीक हुआ हम लोग पहले पढ़ लिए, तो घर वाला छोड़ा दिया रहता पढ़ाई, हम लोग ना हो तो बहुआ छोड़। हम लोग के समय सस्ता था तो घर के लोग हमको पेंसिल तोड़ के देते थे कि हाई 15 दिन से पहले खत्म हो गई ना, तो मार के तार हाथ गोर तोड़ दे मैं ला है ना, उस पर कभी गायब हो गया ना तो घर वाला लोग का और आफत आ जाता था। इतना महंगा हो गया जी रबड़, तो हम लोग ऐसे मिटा देते थे। अवशिष्ट हाइड्रोजन पुणे, अवशिष्ट हाइड्रोजन पुणे, हाइड्रोजन का इंडस्ट्रियल यूज ज्यादा हो जाता है। आगे बढ़े कोनेरू हम्पी, चेस के खिलाड़ी कोनेरू हम्पी ने 20 ब्लीड शतरंज चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? सिल्वर। कोनेरू हम्पी ने कौन सा पदक? किस खेल से संबंधित? चेस। किस खेल से संबंधित? कोनेरू हम्पी का संबंध किस खेल से? ब्लीड शतरंज चैंपियन में कौन सा पदक? सिल्वर पदक रजत को जीता है। शतरंज को खेल होता है, शतरंज खेल बढ़िया होता है, आप दिमाग लगाना होता है इसमें। शतरंज लूडो हो गया किस्मत काम करता है, ये सब में कब आएगा क्या नहीं, इसमें आपका दिमाग काम आता है, समझा गया। शतरंज के खेल की एक चीज बहुत अच्छी लगती है हमें, कभी कोई अपनों पे वार नहीं कर सकता इसमें, समझा गया कि नहीं आएगा। लेकिन जिंदगी का खेल ससुराल दुश्मन से ज्यादा अपनों से खतरा लगा रहता है, शतरंज यही एक खेल है, आप अपने पे कभी नहीं मार सकते। आप लोगों में कितने लोग शतरंज नहीं जानते हैं? ज्यादा शतरंज नहीं जानते, चेस उसी को बोलते हैं, तुम जानते हो? हाँ जगमोहन, घोड़ा कितना कदम चलता है? सिपाही पहला कितना चल सकता है? पहला तो दुइयो चल सकता है, उसके बाद एक ही चलेगा। सिपाही बहुत खतरनाक होता है, जिसके जगह पे पहुंच जाता है उसको जिंदा कर देता है। हाथी जगह पहुंच के हाथी को क्या कर देता है? जिंदा कर देता है। लेकिन बहुत कोढ़िया होता है, ज्यादा दूर नहीं जा सकता है। आगे बढ़े, मारता है तिरछा, सिपाही मारता कैसे है? तिरछा। आगे बढ़ते, हाल ही में किस संगठन ने 1 जनवरी को अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO, DRDO इसने अपना बनाया 1 जनवरी 1948 को, इसकी क्या कर दी गई थी? शिलान्यास रख 58 को, ये 58 है ना, 48-58 जो भी हो, 1 जनवरी 1958 का इसका शिलान्यास किया गया था। तो 1 जनवरी को इसने अपना 65वां कार्यकाल को क्या किया है? पूरा किया। DRDO की जिम्मेदारी भारत में जितने भी मिसाइल वगैरह है उसको बनाने की जिम्मेदारी, रॉकेट बनाने की जिम्मेदारी जो होती है वो इसरो की है। रॉकेट जो होता है पीसफुल मिशन में के काम में आता है, वो सेटेलाइट को छोड़ता है और चला आता है, जबकि मिसाइल जो होता है वो अंतरिक्ष में जाके फिर देखता है ऊंचाई पर जाके कहाँ है हमारे चचा, अब फिर उधर घूम के मार देता है। तो DRDO और इसरो काफी टिपिकल टेक्नोलॉजी होते हैं सब। इसरो तो पूरी दुनिया में डंका बजा चुका है, DRDO मिसाइल टेक्नोलॉजी में आगे है, लेकिन हमारा जो HAL है, हम आपको बताए थे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, दुनिया में सबसे पीछे की गिनती में HAL का नंबर आता है। हम लोग के पास इंजन उतना नहीं है, जबकि दुनिया में हम लोग के पास एविएशन मार्केट बहुत बड़ा है, हमारे यहाँ जहाजों का मार्केट बहुत बड़ा है, लेकिन इंजन ही नहीं बना पाते। प्रेट एंड विटनी ने इंजन नहीं दिया तो गो फर्स्ट एयरलाइन बैंकरप्सी में चली गई यहाँ पर, तो ज्यादातर इंजन वाले ही काम होते हैं। तो जहाजों की बॉडी मेन जरूरी, बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी उसमें नहीं है, मेन उसमें क्या काम आता है? इंजन। तो जहाजों का इंजन बहुत बढ़िया होना चाहिए, ट्रस्टेड होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आपके इंजन पे कोई ट्रस्ट कर लेगा ऐसे, सोचो हवा में इंजन बंद हो गया तो हो गया कांड आपका पूरा, कोई ना बचाने वाला है, जाइए वहां से। आगे बढ़े, अभी कुछ दिन पहले बेंगलोर एयरपोर्ट के पास एक दुर्घटना हुई, रनवे के बगल में क्या किया, जहाज उतार दिया था रनवे के बगल में। अब रनवे के बगल में तो एक वो चक्का रनवे पे, एक वो गढ़ा में, तो उसका इंजन में वो रगड़ा गया तो लेके पायलट टूट गया, एक इंजन खराब हो गया, तो एक के रन एक के इंजन पे पूरा उड़ा के लेके चला गया। तो पावरफुल होना चाहिए। तो DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये किसी भी तरह के किसके लिए है? मिसाइल टेक्नोलॉजी वगैरह के लिए। आगे बढ़े, अगला कह रहा है, हाल ही में भारत के किस राज्य में पशु के लिए IVF इकाई मोबाइल स्थापित किया है? गुजरात। किसने चालू किया है? गुजरात। IVF क्या है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, कौन सा फर्टिलाइजेशन? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। देखिए इसे टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहते हैं, क्या कहेंगे? टेस्ट ट्यूब। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि देखिए मेल का स्पर्म और फीमेल का ओभम को लेकर आर्टिफिशियली उसको क्या किया जाता है, फर्टाइल कराया जाता है, और जब दोनों में
आपस में फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो उसे एक या दो दिन छोड़ दिया जाता है जाइगोट बनने के लिए। अब उसके बाद वापस उसे टेस्ट ट्यूब से खींच के और मादा के यूट्रस में उसे रख दिया जाता है, इसी को टेस्ट ट्यूब कहते हैं। इसमें एक चीज का डर होता है कि जो हम लोगों ने निषेचन कराया है स्पर्म और ओवम से, हो सके तो ये इस इंजेक्शन को रखने फिर दोबारा प्लांट करने मादा के अंदर में नष्ट हो जाए। इसलिए जब भी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कराया जाता है तो दो जाइगोट बनाया जाता है, दो स्पर्म मतलब एक स्पर्म एक ओवम, फिर एक स्पर्म एक ओवम, उस सेफ्टी रीजन से। इसलिए अमूमन देखिएगा ना, जो भी टेस्ट ट्यूब बेबी है इन विट्रो बेबियों का जुड़वा पैदा हो जाता है। डॉक्टर सेफ्टी के लिए को बैकअप के लिए लेकर चल रहा था, वो दोनों बच जाता है सब, समझा गया कि नहीं गया। तो ये ये अब आदमी में मतलब मानव में भी अब ये ज्यादा होने लगा है, ये अब शहरी क्षेत्रों में। इसका जानवर में सबसे ज्यादा यूज होता है नस्ल सुधारने के लिए। जानवर में क्या यूज होता है? नस्ल सुधार। जैसे भारत में फिजिशियन गाय गर्मी बर्दाश्त कर सकती थी इस माहौल को, हमारे यहाँ गर्मी ज्यादा होती है, लेकिन यूरोप की होल्स्टीन गाय दूध ज्यादा दे सकती थी। तो हम लोग कैसे कर? होल्स्टीन को लाएंगे तो मर जाएगा। तो होल्स्टीन गाय से हम लोगों ने क्या नहीं आया, उसका सीमन ले लिए वहां से, उसका स्पर्म का काउंट ले लिए वहां पे सीमन, और यहां से आके क्या कर दिए, क्रॉस करा दिए। तो फिजिशियन से ले लिए ओवम और होस्टिन से ले लिए स्पर्म और उसको क्रॉस करा के जाइगोट बना के एक नए जन्म लिए। अब वो एक नए नस्ल हो गई, उस नस्ल से फिर क्या हो गई, आगे बढ़ते गए एचएफ नस्ल। कौन सी नस्ल? एचएफ। तो इसके लिए इसी को कहते हैं आईवीएफ। आईवीएफ, आईवीएफ को सीमन जो होता है जानवरों का सीमन, उसे किस गैस में रखते हैं? नाइट्रोजन गैस। किस गैस में? नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस में सीमन को रखते हैं। यह व्यवस्था हॉस्पिटल तक ही थी, लेकिन इसे मोबाइल यानी गांव-गांव तक अभी से पहुंचाने की परंपरा किसने चालू कर दी है? गुजरात। तो जानवरों के लिए आईवीएफ इकाई को मोबाइल डिवाइस, मोबाइल मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह ले जाना, तो मोबाइल डिवाइस की सुविधा किस राज्य ने चालू कर दी है? गुजरात। किसने? गुजरात। करंट अफेयर बाबू ध्यान से समझिएगा, ये पूरा दिसंबर से करंट अफेयर लेके चल रहे हैं, दिसंबर से उठाए करंट अफेयर। इस साल जितना एग्जाम होगा उस सब में काम आएगा। तो जो बीपीएससी के हैं, जो किसी भी एग्जाम के हैं, करंट अफेयर आपका हर एग्जाम में के लिए जरूरी होता है। और ये टील एग्जामिनेशन चलते देंगे हम आपको, ठीक है? जब तक एग्जाम चलते रहेगा डेली आपका करंट अफेयर चलते रहेगा, ठीक है? तो बताइए आईवीएफ को मोबाइल लॉन्चिंग किसने किया? किस राज्य ने? गुजरात ने लॉन्च कर दिया। हम लोग को बिहार में सबसे कौन सी मतलब है, अपन देसी गाय 6 लीटर दूध दे रही है, किसान वहीं में दूह रहा है मर रहा है। 10 लीटर से कम दूध देगी जानवर तो आप उसका कमर्शियल यूज नहीं कर पाएंगे, आप अपने परिवार के लिए बस ठीक ठाक हो पाएगा लेकिन कमर्शियल यूज नहीं कर पाएंगे। अगला चलते हैं लोग, ठीक है? पशुओं के लिए देश के पहले इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मोबाइल यूनिट की शुरुआत किसने किया? गुजरात के अमरेली में की गई है। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने इसके लिए क्या किया था, लैब का उद्घाटन किया। इस मदद से क्या हुआ, पशुओं को आईवीएफ तकनीक से क्या किया जाएगा, उपलब्ध कराया जाएगा। यह नस्ल सुधार में बहुत काम आती है, नस्ल सुधार में क्या होती है, काम आएगा आईवीएफ के लिए। अगला कह रहा है 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहां किया गया, नागपुर। विज्ञान कांग्रेस की स्थापना 108वां विज्ञान कांग्रेस नागपुर। विज्ञान देखिए, कांग्रेस का अर्थ होता है समूह या संगठन, लोगों का समूह। इवन की अमेरिका के संसद को भी कांग्रेस ही कहा जाता है। तो विज्ञान कांग्रेस में विज्ञान की तकनीक पर चर्चा होती है। तो इसकी अब इस बार कहां मनाया गया 108वां, इसमें यह कहा गया कि विज्ञान कैसे हेल्प कर सकता है सतत विकास और महिला सशक्तिकरण में, महिला सशक्तिकरण और सतत विकास में विज्ञान कैसे मदद कर सकता है। सतत विकास का मतलब होता है ऐसा विकास जो आगे आने वाली पीढ़ियों को नुकसान न पहुंचाए। जैसे अगर हम लोग पेट्रोल और डीजल पे खूब चलते रहेंगे तो हमारी तो जरूरतें पूरी हो जाएंगी और आने वाले पीढ़ी को हम एक प्रदूषित वातावरण देके चले जाएंगे। तो इसी सतत विकास के क्रम में इलेक्ट्रिक गाड़ियां, हाइड्रोजन पे चलने वाली गाड़ियां या सीएनजी गाड़ियां हैं, तो ये सतत विकास का एक हिस्सा है। तो इसमें विज्ञान ने मदद किया कि नहीं किया? तो हम लोग अभी तक महिला सशक्तिकरण में केवल राजनीति इच्छा को शामिल करते थे, अब महिला सशक्तिकरण में किसका प्रयोग करना है, तकनीक का। किस चीज का? तकनीकी का प्रयोग करना है महिला सशक्तिकरण में। किस तरह से? टेक्नोलॉजी का भी यूज करके महिला सशक्तिकरण को किया जा सकता है। जैसे अब आप कहिएगा टेक्नोलॉजी का महिला सशक्तिकरण में क्या होगा, तो आज के समय में बांग्लादेश इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, फ्रीलांसिंग का। फ्रीलांसिंग इन द सेंस आप घर में बैठे रहिए, किसी के लिए टेम्पररी कोई काम कर दीजिए, वही क्या कहलाता है फ्रीलांसिंग। जैसे आप डिजाइनिंग सीख गए हैं, ठीक है, आप क्या कर लिए डिजाइनिंग, तो आप अपने आप को फ्रीलांसिंग पे रजिस्टर्ड करा लीजिए। आप घर का डिजाइनिंग करती हैं तो आपको कोई अपने प्लॉट का एरिया बता देगा, आप घर बैठे बैठे
रिजाइन करके भेज दीजिए, उसको उसको ठीक लगेगा, आपको पैसा ट्रांसफर कर देगा, फ्रीलांसिंग हो जाएगा, घर बैठे बैठे हो सकता है। तो महिलाओं के लिए तो ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है फ्रीलांसिंग बिजनेस का। किस चीज का? फ्रीलांसिंग। जैसे टाइपिंग के लिए हम लोग का कई, ये मध्य प्रदेश से टाइप होकर आ रहा है, कभी राजस्थान से टाइप होकर आता है, हम लोग के भी टाइप राइटर फ्रीलांसिंग पे रहते हैं। कोई अभी देखे ना, थोड़ा टाइम लग गया कि नहीं लग गया थे इसको लाने में, पेन ड्राइव में लाना पड़ गया यहाँ पर। तो ये क्या हो गया फ्रीलांसिंग, कोई घर बैठ के टाइप कर रहा है, कोई कहीं पे। तो तकनीक का प्रयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं, सतत विकास में तो हो ही रहा है, बल्कि महिला सशक्तिकरण में। जब भी किसी चीज में महिला सशक्तिकरण या वातावरण पर्यावरण आ जाता है तो ये ज्वलंत मुद्दा हो जाता है और इसका क्वेश्चन पूछने की संभावना और बढ़ जाती है। तो थीम पूछ देगा, 108वां कांग्रेस का थीम क्या था, तो महिला सशक्तिकरण तथा सतत विकास में तकनीक का योगदान, कि तकनीक का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। समझ गए, कहाँ किया गया? नागपुर में। कहाँ किया गया? नागपुर में। प्रधानमंत्री जी ये सब बड़े प्रोग्राम के यही उद्घाटन करते हैं, महिला सशक्तिकरण के साथ साथ सतत विकास के लिए विज्ञान तकनीकी यानी विज्ञान का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। आगे बढ़ जाए ना, अरे कहाँ गया, डेक्सा किस खेल की टीम के चयन के लिए। देखिए, क्रिकेट में आपका स्वस्थ रहना बहुत जरूरी होता है, समझा गया। इसमें दो चीजें होती है, आपका सांस ना फूले और हड्डियां मजबूत रहे। अगर ये गड़बड़ हो गया ना तो क्रिकेट बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो इसके लिए सांस फूलने के योयो टेस्ट और हड्डियों के लिए डेक्सा टेस्ट, हड्डियों की डेंसिटी जांच करता है डेक्सा टेस्ट। तो अगर कहेगा क्या हो गया जी, व्हाट हैपेंड, एक तो हमको टेक्नोलॉजी से इतना लगाव नहीं रहता, उस पर से दुका दुका चलाता है। आप लोगों को लगता है इंडिया में किसी को ऐसे नॉर्मल आदमी की धारणा की खान सर बहुत टेक्नोलॉजी वाले होंगे, ऐसे उनको लगता है तो आए फेसबुक नहीं बुझाया, बिन फेसबुक ही नहीं समझ में आया दुकान जी होता है। अभी एक बार दो बार कोशिश किए तो एक बताया कि इसका एक और भाई है मैसेंजर, हम कह रहे थे भैया तब सबसे सही हमको कुछ लगता है तो व्हाट्सएप लिखो और दाब दो, चल जाएगा उधर, गया कि नहीं तो पता चल जाएगा, रास्ता में है वो पता चल जाएगा, देख लिया वो पता चल जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? फेसबुक में भी होता है। अब हम बुढ़ौती में कौन कुल दिमाग नहीं लग जाएगा, अब हम लोग की उम्र में आने का दिमाग में काम नहीं ना करता है जी। अब आप लोग यंग हैं, लोग आप लोग कर सकते हैं, हम लोग कौन चीज जानेंगे। अपने पापा को मैसेज दिखाने गए तो पापा कह रहे दो कुल दिमाग आज खर्चा हो जाए। अबे बहुते काम बा, मैसेज उसे नहीं लिखने आता। आप लोग के पापा भी ऐसे ही करते होंगे, जेबिया में इतना कागज भर ले रहते लोग काज ने को चिरकुट उरकुट किसी का नंबर मोबाइल नंबर कोनो कोनो हिसाब किताब इतना चिरकुट देखो वो कागिर गई रखे रहते लोग टिकट टिकट भी रख ले रहते पुरान पुरान में एक दू को पैसों होता है। आगे बढ़ते हैं, डेक्सा टेस्ट और योयो टेस्ट, दौड़ने के स्ट्रेंथ को योयो टेस्ट, हड्डियों की डेंसिटी डेक्सा, आप यहां डेक्सा और साथ में योयो डेक्सा, अरे ओ माय गॉड क्यों हम ऐसा कर दिया, आ गया। अब ये वाला माउस का काम आएगा, अब हमको समझ में आया, वहां वो वाला माउस काम नहीं आता है। यो यो यो, तो दोनों टेस्ट याद रखेंगे, कौन कौन सा, डेक्सा और यो यो, डेक्सा और यो यो, डेक्सा और यो यो टेस्ट किससे संबंधित है, डेक्सा टेस्ट और यो यो टेस्ट क्रिकेट, डेक्सा और यो यो क्रिकेट से, डेक्सा है दौड़ और हड्डियों की डेंसिटी, तुम डेक्सा टेस्ट में लगता है फेल हो जाएगा। खाया पिया करो, ऐसा लगता है जैसे कंकाल बना के उस पर साट दिया गया, ऐसे ऐसे कुछ कुछ। हाँ चलिए आगे देखते हैं, डेक्सा और यो यो टेस्ट चयन की प्रक्रिया में डेक्सा टेस्ट किया गया है क्या चीज। देखिए योयो टेस्ट एक एरोबिक क्या है टेस्ट है, डेक्सा टेस्ट क्या है, बोन डेंसिटी के लिए होता है, हड्डियों की उसके लिए। तो इतना पढ़िएगा, हम आपको शॉर्टकट में बता देते हैं आपको, ऐसे पढ़ के नहीं याद होगा करेंट। अगला देखते हैं, हाल ही में चुनाव आयोग ने किस राज्य में मिशन 929 शुरू किया, विजन 929 त्रिपुरा में। देखिए त्रिपुरा में इनकी योगदान, इनका लक्ष्य था कि 92% वोटिंग रेशियो को लेके जाना है, इसी के लिए उन्होंने नए
कुछ बूथ सेलेक्ट किए थे जहां पर वोटिंग परसेंटेज कम रहता था। नक्सल और उग्रवादी क्षेत्र चाहते नहीं है कि आप वोटिंग में हिस्सा लें, तो कुछ नक्सल मतलब कुछ ऐसे प्रभावित क्षेत्र थे जहां निर्वाचन आयोग चाहता था कि वहां स्पेशली वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाया जा सके। हालांकि उस लक्ष्य में लगभग कामयाब हो गया निर्वाचन आयोग, और जहां जहां वोटिंग परसेंट गिर रहा था उस एरिया में 929 नए बूथ मतलब बना के और उस पर बढ़िया से मॉनिटरिंग किया गया ताकि यहां परसेंटेज ऑफ वोटिंग क्या हो सके, बढ़ सके। तो उसी के नाम पर हो गया मिशन 929 त्रिपुरा। कितने पोलिंग बूथ पर? 929 पोलिंग बूथ का नाम है। मिशन 929 का संबंध त्रिपुरा। डेक्सा टेस्ट, डेक्सा टेस्ट, क्रिकेट। आगे बढ़े। इन बूथों को छोड़कर अन्य बूथों पर 91% से अधिक मतदान हुआ। उन बूथों पर क्या था, मतदान का रेशियो क्या था, कम था। आगे बढ़े। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित मोहम्मद इरफान अली किस देश के राष्ट्रपति बने? गुआना। मोहम्मद इरफान अली गुआना, मोहम्मद इरफान अली गुआना। बड़ी दूर है जी गुआना, यहाँ पर देखिए अमेरिका के पास है, दक्षिणी अमेरिका में। सोचिए हम लोग एशिया छोड़ेंगे, अफ्रीका फिर अटलांटिक पार करेंगे, दक्षिणी अमेरिका में जगह यहाँ जाएंगे तो गुआना मिलेगा। कौन जगह मिलेगा? गुआना। यहाँ का जॉर्ज टाउन बंदरगाह प्रसिद्ध है, हीरो के लिए प्रसिद्ध है गुआना। तो गुआना के राष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद इरफान। कौन है? मोहम्मद इरफान अली, मोहम्मद इरफान अली। आगे बढ़े। ये प्रवासी भारतीय हैं, भारत से जाके यहीं पे सेटल हो गए, तो प्रवासी भारतीयों को सम्मान दिया गया इस बार किसे? मोहम्मद इरफान अली को। कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं? गुयाना। कहाँ के? किसी को कोई दिक्कत? कहाँ के बने हैं? गुयाना किस देश में, किस महाद्वीप? दक्षिणी अमेरिका। कहाँ के? दक्षिणी अमेरिका। याद हो गया। अब्दुल्ला अमीन मालदीव, इनको तो सजा ही हो गया 11 साल का। आगे बढ़े। ओडिशा राज्य के किस पहल को यूएन हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 से सम्मानित? देखिए हैबिटेट का मतलब होता है रहने योग्य, हैबिटेट का मतलब क्या होता है? रहने योग्य। अब यूएन जो है ना वो पूरी दुनिया को कहता है कि भाई ऐसा व्यवस्था कीजिए कि हर तरह के लोग रह सके, तो हैबिटेट को पूरा करने के लिए इन्होंने जागा मिशन चालू किया। कौन सा? जागा मिशन। ये स्लम एरिया में, स्लम एरिया जहाँ झुग्गी बस्ती बहुत ज़्यादा रहती है, झुग्गी बस्ती बहुत, झुग्गी बस्ती किसे कहते हैं? आप देखिएगा गांधी मैदान के अगल बगल डिवाइडर या सड़क के किनारे लोग तिरपाल तंबू डाल के रहने लगते हैं, तो वो तो मतलब क्या है कि जिस दिन नगर निगम आती है उठा के लेके चल जाती है। लेकिन कई बार ये लोग ऐसा एरिया बना लेते हैं जहां उन्हीं लोग का मतलब वो हो जाता है, और वो कहाँ जाएंगे, उन लोग के लिए भी एक समस्या है। सबसे बड़ी झुग्गी जो बस्ती धारावी है, मुंबई का, मुंबई का धारावी मुंबई का है वहाँ पर, तो मुंबई का धारावी है। तो ऐसे झुग्गी बस्तियों के हेल्थ सिस्टम को उठाने के लिए, उनको बेसिक फैसिलिटी देने के लिए जागा मिशन किसने चालू किया था? उड़ीसा में। जागा मिशन उड़ीसा, ओपन थिएटर भी उड़ीसा, जागा मिशन भी उड़ीसा। तो यूएन हैबिटेट सेंटर के लिए चालू किया। अब स्लम एरिया में स्कूल को व्यवस्था चालू किया, पीने के लिए अच्छे पानी, हॉस्पिटल, ये सारी व्यवस्थाओं को चालू किया जिससे कि ना लगे कि वो एरिया कैसा है, स्लम एरिया, एरिया स्लम एरिया ना लगे। और उड़ीसा काम भी करता है, इसलिए देखते हैं नवीन पटनायक कितना साल से मुख्यमंत्री वहीं पर है, समझना। जबकि उड़ीसा मतलब कच्ची सड़कें, प्राकृतिक आपदा, बाढ़, चक्रवात, इस सब के लिए बहुत प्रसिद्ध है, वहाँ पे हमेशा आते रहता है। आगे बढ़े। बताए यूएन हैबिटेट अवार्ड किसे दिया गया? उड़ीसा के जागा मिशन को, उड़ीसा के जागा। बताइए ये किस लिए था जागा मिशन? स्लम एरियाज का जागा मिशन, जागा मिशन स्लम एरिया के लिए, किसके लिए? आगे बढ़ जा, अगला देखते हैं हम लोग। CMI की नवीन रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में दिसंबर 2022 में सबसे अधिक बेरोजगारी दर्ज है? हरियाणा और राजस्थान। लगभग हरियाणा में 35%, राजस्थान में 26-27%। सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर कहाँ देखा गया? हरियाणा। सर्वाधिक बेरोजगारी दर हरियाणा, हरियाणा के बाद राजस्थान, हरियाणा के बाद राजस्थान। हरियाणा और राजस्थान इस साल चुनाव होने वाले हैं लास्ट में, राजस्थान में लास्ट में चुनाव है, तो इन राज्यों के करंट अफेयर को थोड़ा विशेष ध्यान से। कर्नाटक तो निपट गया,
लेकिन बाकी पे अभी इलेक्शन, तो जहां इलेक्शन रहता है उस स्टेट पे थोड़ा सा आपको फरियता ज्यादा देने होता है। तो बताइए सर्वाधिक बेरोजगारी इधर हरियाणा के बाद, सर्वाधिक बेरोजगारी हरियाणा, हरियाणा के बाद, हरियाणा के बाद राजस्थान। आगे बढ़े हरियाणा, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग द इंडियन इकोनॉमी CMIE, इसी के आंकड़े। हरियाणा में कितना 37% और 28% राजस्थान, 20% दिल्ली, 20% दिल्ली, दिल्ली। बिहार में इससे कम ही है, बिहार के लोग बेरोजगार करने के लिए बाहर चल जाते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? देखिए दिल्ली के लोगों का रोजगार और बिहार के रोजगार में अंतर है। वहाँ पे लोग काफ़ी एडवांस है, वहाँ का जीवन स्तर बहुत ही एडवांस है, और हमारे यहाँ क्या है भाई, दिहाड़ी मिल जाता है 400-500 रुपया, उतने में क्या है खुश है। बिहार के लोग जो बाहर में काम करने जाते हैं, कौन सा CEO बन के जा रहे हैं, मतलब नॉर्मल वर्क में जा रहे हैं, हम लोग लेबर सप्लाई कर रहे हैं। लोग मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, राजस्थान, जहाँ पर भी हम लोग जा रहे हैं, ज़्यादातर हम लोग क्या सप्लाई कर रहे हैं, लेबर सप्लाई कर रहे हैं। आप आगे बढ़े, एक जगह दिल्ली में एक आदमी से, मतलब उन लोग का ना दिमाग में एक भरा हुआ है ना कि बिहारी मतलब मजदूर टाइप के लोग यहाँ पे, तो हम लोग ऐसे बोलते हैं ना 10 लेबर आए हैं, तो वहाँ कुछ लोग ऐसे बोल रहे थे 10 बिहारी, मतलब उनको लग रहा था कि बिहार का आदमी लेबरे वाला काम करता है। तो दिक्कत ये बात का ना कि हमारे यहाँ से ज़्यादातर जो वर्क फोर्स ही बाहर जाता है, क्योंकि ज़्यादा संसाधन नहीं है हमारे यहाँ काम करने का। तो सर्वाधिक बेरोजगारी इधर कहाँ पे, हरियाणा, हरियाणा के बाद राज। किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड रैपिड एंड वर्ल्ड ब्लिट्ज शतरंज दोनों खिताब जीत लिया है? मैग्नस कार्लसन। इसका चेस में बहुत बड़ा दबदबा है, बहुत ही बहुत आदमी को हरा रख देता है, इससे जीतना बड़ा मुश्किल होता है। शतरंज में इसका नाम हमेशा याद रखिएगा, मैग्नस कार्लसन। शतरंज चैंपियन जीतने वाला मैग्नस कार्लसन, शतरंज चैंपियन जीतने वाला रजत जीतने वाले कोनेरू हम्पी, और दोनों जीत जाने वाला मैग्नस कार्लसन। रैपिड और वर्ल्ड ब्लिट्स दोनों चैंपियन जीतने वाला मैग्नस कार्लसन। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सीबीएसई वाला सीधा होता है सर। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। हाल ही में भारत में सबसे तेज गेंदबाज बन गए कौन? उमरान मलिक। सबसे तेज गेंदबाज उमरान मलिक। उमरान मलिक। मैग्नस कार्लसन किस खेल से? कैनरू हम्पी। 9-9 मिशन त्रिपुरा, 9-9 मिशन वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड ओडिशा। किस योजना को? जागा मिशन। किसे? जागा मिशन। आगे बढ़े, तेज गेंदबाज उमरान मलिक। आगे बढ़े, हाल ही में महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल के रूप में अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया? सुजाय लाल थाउसेन। BSF का कारभार सुजाय लाल थाउसेन। आगे बढ़े, BSF का कमांड दिया गया इन्हें, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सियोम पुल का उद्घाटन किया? अरुणाचल प्रदेश सियोम पुल का उद्घाटन। ये आर्क ब्रिज है कि पहले एक आर्क बनाया जाता है फिर उसके ऊपर रखा जाता है। दुनिया का सबसे ऊंचा आर्क ब्रिज चिनाब ब्रिज बन रहा है, बहुत जल्दी इस साल के लास्ट तक उसे चालू कर दिया जाने की संभावना है, जिससे कि जम्मू कश्मीर में रेल परिसंचालन तेज हो जाएगा। ब्रिजों पे कंस्ट्रक्शन बहुत तेज चल रहा है, ब्रिजों पे याद रखिएगा, जैसे जुआरी ब्रिज गोवा में याद रखिए, सियोन ब्रिज अरुणाचल प्रदेश, अंजी ब्रिज जम्मू कश्मीर, चिनाब ब्रिज जम्मू कश्मीर, ढोला सादिया असम, भूपेन हजारिका असम, नर नारायण सेतु, ढोला सादिया असम, भूपेन हजारिका असम, सियोन ब्रिज, जुआरी ब्रिज
जुआरी ब्रिज, अंजी ब्रिज, तुम बताओ बाबू, अंजी ब्रिज, जम्मू चिनाब ब्रिज, सियोन ब्रिज, सियोन ब्रिज, सियोन ब्रिज, अरुणाचल पर। देखिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO, ये बॉर्डर पर सेना त्वरित रूप से पहुंच सके इसके लिए एक संगठन है, उसकी जिम्मेदारी है कि बॉर्डर के रोड्स को क्या कर सके, अच्छा बनाए। ये रोड का उद्घाटन नितिन गडकरी नहीं किए, जबकि सड़क परिवहन मंत्री कौन है, नितिन, क्योंकि ये बॉर्डर वाली सड़क के सड़क परिवहन मंत्री नहीं बनाते हैं, बल्कि रक्षा मंत्रालय के अधीन आने वाला बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO बनाता है। तो रक्षा मंत्री कौन है, राजनाथ सिंह, तो इनका विभाग बनाया है, तो उद्घाटन कौन करेंगे, ये अभी क्या दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस का जाकर उद्घाटन कर देंगे, उनके लिए कौन है, नितिन गडकरी। आगे बढ़ जाए, गोवा में कौन सा ब्रिज बाबू, कौन सा ब्रिज, जुआरे। गुजरात में तो आप देखे एक तो पुले गिर गया था, याद है, चुनाव के समय एक नव नहीं पुल गिरा गया था, बहुत सारे लोग नदी में गिर गए जिससे मर गए वहां पे। गुजरात में मोरबी नदी पर बनाया गया था, मोरबी नदी पर बनाया गया था पुल, चुनाव के समय पे मोरबी नदी पुल में गिर गया, बहुत पुराना हो गया था, वहां पे ओवरलोड ज्यादा हो गया था, बहुत सारे लोग मर गए थे वहां पे, तो बहुत ज्यादा पुराना हो गया। लेकिन आप लोग ऐसे भी याद रखिएगा, मोरबी पुल कहां गिरा था, गुजरात, मोरबी पुल गुजरात, वो केबल वाला पुल था, उसमें जरूरत से ज्यादा लोग भी चढ़ गए थे, अच्छा पुराना हो भी गया था मेंटेनेंस की वजह से, इसलिए क्या हो गया था, वो भी गिर गया। आगे बढ़े, सियोन ब्रिज, पहला अंडर वाटर मेट्रो कलकत्ता मेट्रो, पहला अंडर वाटर मेट्रो कलकत्ता, अब पहला मेट्रो भी कलकत्ता, अब पहला अंडर वाटर भी किस नदी किनारे, हुगली, किस नदी पे, हुगली, अच्छा ऊपर पुल का नहीं बना दिया, हावड़ा ब्रिज भी बनाया नदिया को जाजिया पार करने के लिए, तो उन्होंने देखा कि ऊपर ऊपर बनाएंगे उसे सस्ता पड़ेगा, नीचे नीचे बना देते हैं, सुरंग खोदा और नीचे नीचे लेके चल गया। ऐसा मत सोचिएगा कि आपको नीचे से कुछ दिखने वाला है, जैसे सुरंग में पार करते हैं वैसे नदी के नीचे सुरंग में से बना के लेके चला गया, कौन सी नदी पर, हावड़ा ब्रिज छोटा, फिर भी देखो ना दुए पाया पे है, एगो ये पार एगो ये पार, बीच में कोई पाया है, हम लोग घर बनाते हैं तो मार खंभा खंभा भर देते हैं लोग। आगे बढ़ जाते हैं, बताइए तो पहला अंडर वाटर मेट्रो कौन, कोलकाता मेट्रो, आपके बिहार में तो पटना मेट्रो अभी वर्क चल रहा है, कब चालू होगा अब देखा जाएगा। हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करना है, एशिया का पहला देश। देखिए बाबू, हाइड्रोजन को हम लोग भविष्य का ईंधन कहेंगे, हाइड्रोजन को क्या कहेंगे, आशा का ईंधन यूरेनियम, भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन, भविष्य का ईंधन आशा का ईंधन। तो यूरेनियम बहुत महंगा है और यूरेनियम को कंट्रोल करना आफत है, तो एक आस लगा के बैठे हैं कि कभी होगा, लेकिन भविष्य में ईंधन के रूप में कौन प्रयोग होगा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सबसे कम प्रदूषण उत्पन्न करता है और सबसे अच्छा ईंधन हाइड्रोजन को माना जाता है। इसका पहला ट्रायल किया था जर्मनी ने, पहला ट्रायल किसने किया, जर्मनी, और जर्मनी ट्रायल करके बस चलाए थे, जर्मनी ट्रायल करके क्या चलाए थे, बस, और चाइना मारा ट्रेनें चला दिया उसका कॉपी करके। तो एशिया का पहला देश जिसने ट्रेन चलाया उसको क्या हुआ जी, चलिए जी बाबू, इसका बैग पकड़ लेगा, चलिए वो आज गर्मी बहुत है भी। कौन सी करी है, ए तुम छोड़ दो इसको पकड़ लेते हो, हाँ तुम बैग लेके जाओ, तुम लड़की सब में कौन चीज जो एकदम दुबली पतली रहेगी वही जाके पता चलो अपना उल्टी की जागी है। कल चालू हो जाएगा वो, लग गया मीटर लग गया जो है।
हल्ला क्या करता है। हमसे निकाल लेना बहुत मुश्किल होता है, समझा गया ना। आगे बढ़े, पहला एशिया में मेट्रो आए, मेट्रो कर रहा है, हाइड्रोजन चाइना, दुनिया में पहला हाइड्रोजन पे हाँ जर्मन, तो ये तो एशिया में पूछा है। ये को एक्स्ट्रा लेके कहां से चले इसको, इपक ले लिया एक्स्ट्रा कहां से चले, वो वहां खड़ी थी वो। चलिए अब ध्यान से देखते हैं। अगला देखते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस नाम से गोवा में मोपा हवाई अड्डा बनाया है, मनोहर पारिकर, किसके नाम पे मनोहर। गोवा में पहले एक ही एयरपोर्ट था, अभी एक दूसरा बना दिया गया मोपा एयरपोर्ट, मोपा ये पहाड़ियों के ऊपर काट के बनाया गया मोपा एयरपोर्ट, लेकिन मोपा एयरपोर्ट का रनवे बड़ा है इसलिए टेंशन की बात नहीं है, और अगर रनवे छोटा रहता ना तो बहुत दिक्कत हो जाता है इसके लिए भी, मोपा एयरपोर्ट पे भी। तो ये टेबल टॉप है लेकिन रनवे का साइज क्या है बड़ा है इसलिए ज्यादा दिक्कत नहीं आएगा। आगे बढ़ जाए तो मोपा एयरपोर्ट ऐसे भी कहेगा, कहाँ का नया एयरपोर्ट अभी खुला ही हुआ है, गोवा का मोपा एयरपोर्ट चालू भी हो गया, बहुत जल्दी बनाया गया मोपा एयरपोर्ट, कहाँ है गोवा, क्या नाम हो गया मनोहर पारिकर, मोपा एयरपोर्ट मनोहर पर। इनके किडनी में प्रॉब्लम था, पेंक्रियाज में शायद कैंसर था, किडनी में शायद पेंक्रियाज में प्रॉब्लम था। आगे बढ़े, हाल ही में दुनिया में सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन, बिरसा मुंडा स्टेडियम उड़ीसा, बिरसा मुंडा स्टेडियम उड़ीसा, सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम उड़ीसा, क्या नाम है उसका, बिरसा मुंडा, उड़ीसा स्टेडियम का नाम बिरसा मुंडा। ओपन थिएटर प्रोग्राम, स्लम एरिया के लिए कौन सा प्रोग्राम, प्रोग्राम का नाम जागा प्रोग्राम, जागा प्रोग्राम कहां पर, उड़ीसा, जागा प्रोग्राम जागा उड़ीसा। आगे बढ़े, हॉकी के स्टेडियम का नाम क्या, बिरसा मुंडा स्टेडियम, कौन सा स्टेडियम, बिरसा, उड़ीसा में बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया गया मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने, उड़ीसा में राउरकेला में दुनिया के सबसे बड़े समर्पित, मतलब हॉकी को समर्पित स्टेडियम किया, जिला भी याद रखेंगे राउरकेला, बताइए तो आप लोग राउरकेला स्टील प्लांट किसके सहयोग से, राउरकेला जर्मनी, दुर्गापुर ब्रिटेन, भिलाई भिलाई रूस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में सबसे बड़े लंबे क्रूज गंगा विलास लॉन्च किया, ये कहां तक जाएगा, डिब्रूगढ़, कहां तक जाएगा, डिब्रूगढ़, बांग्लादेश को होते हुए डिब्रूगढ़ तक जाएगा जहाज, यही है गंगा विलास, जहाज का नाम क्या है गंगा विलास, कहां बनारस से कहां तक जाएगा डिब्रूगढ़, गंगा नदी होते हुए तो बांग्लादेश में घुस जाएगा, गंगा नदी होते हुए तो फिर कहां चल जाएगा बांग्ला, अब फिर गंगा नदी से निकल के बांग्लादेश को क्रॉस करके ब्रह्मपुत्र में मिल जाएगा, अब ब्रह्मपुत्र में होते हुए फिर कहाँ चल जाएगा, असम, असम के डिब्रूगढ़ में, असम के डिब्रूगढ़ याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़े, रिवीजन करा दे इसका, एक बार रिवीजन हो जाए। ये पीपीटी में ना खुल के पता नहीं कौन सी में खुल गया है, देखिए ना मेट्रो को ऐसे बनाया जैसे पनिया में जा रही है, जैसे सुरंग में जाती है ना, दिल्ली मेट्रो कैसे सुरंग में घुस जाती है आपको पता नहीं चलेगा कि कहाँ घुस गई सुरंग में। पटना मेट्रो का भी कुछ हिस्सा सुरंग में जाएगा, गांधी मैदान के पास बन रहा है कंजेस्टेड एरिया, जब मेट्रो को अंडर पास से ले जाया जाता है ना सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है जानते क्या, घर, आपके घर के नीचे से नहीं ले जा पाएगा ना, क्योंकि आप घर के नीचे हैंडपंप गाड़े रहते हैं, पता चला डेली चार गो का हैंडपंप पे उखाड़ते चलेगा वहां पे समझा गया, इसलिए ज्यादातर उसका अलाइनमेंट सड़क के नीचे ले जाया जाता है, नहीं तो पानी वगैरह वाला हैंडपंप को लेकर रखे रहेंगे, अच्छा खासा गहराई पे रहता है हैंडपंप वाला। अब तो आप लोग बता देंगे, रेडी, बिहार स्टेट आइकन,
बिहार स्टेट आइकन मैथिली ठाकुर अवशिष्ट हाइड्रोजन अवशिष्ट हाइड्रोजन पुणे में कोनेरू हम रजत कौन सा वो रजत बताइए दोनों चैंपियन ट्रॉफी जीतने वाला मैगलन कार्लसन मैगलन्स कार्लसन वो दोनों ट्रॉफी जीत गया 1 जनवरी 1965 को डीआरडीओ 1 जनवरी 1958 को उसका उद्घाटन हुआ था डीआरडीओ का मोबाइल आईवीएफ सुविधा गुजरात एक सौ आठवां कांग्रेस थीम बताइए महिला सशक्तिकरण तथा सतत विकास में किसका योगदान विज्ञान और तकनीक का योगदान विज्ञान और तकनीक का योगदान याद रखिएगा अगर आप टेक्नोलॉजी को नहीं अडॉप्ट करते हैं तो बहुत दिक्कत हो जाएगा आपका आप वैसे ही विलुप्त होंगे जैसे डायनासोर विलुप्त हुआ था इसलिए जितना जल्दी हो सके टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट होकर चल जाइएगा समझ आएगी नहीं गया जितना जल्दी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट हो सकते हैं आप उतना जल्दी टेक्नोलॉजी पे अडॉप्ट होकर चलिएगा आगे बढ़े डेक्सा टेस्ट एरोबिक टेस्ट के लिए यो एरोबिक टेस्ट के लिए यो हड्डियों की डेंसिटी के लिए डेक्सा टेस्ट क्रिकेट से संबंधित है ये डेक्सा टेस्ट चुनाव आयोग ने मिशन 9 to 9 त्रिपुरा मोपा एयरपोर्ट गंगा विलास कहां तक गया है डिब्रूगढ़ प्रवासी भारतीय सम्मान मोहम्मद इरफान अली कहां के राष्ट्रपति गोआना किस महाद्वीप में दक्षिणी अमेरिका यूएन हैबिटेट उड़ीसा के जागा मिशन किस चीज के लिए जागा मिशन सलाम एरिया के लिए सर्वाधिक बेरोजगारी हरियाणा के बाद राजस्थान रैपिड तथा ब्लिट टेस्ट मैग्नस कार्लसन आगे बढ़े मैग्नस कार्लसन याद रखिए कहां के नॉर्वे मैग्नस कार्लसन नॉर्वे हाल ही में भारत में सबसे तेज गेंदबाज उमरान मलिक बीएसएफ के निदेशक सुजयलाल थाउसेन सियोन पुल अरुणाचल सड़क विभाग ने बनाया है बीआरओ किसने बनाया बीआरओ अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता हाइड्रोजन संचालित पहला नंबर पे जर्मनी एशिया में पहला अच्छी मोपा एयरपोर्ट सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम उड़ीसा में स्टेडियम का नाम बिरसा मुंडा किस जिला में प्रधानमंत्री के गंगा विलास वाराणसी से डिब्रूगढ़ नदी अंदर जाते जाएगा यहाँ पे नदी जाए 50 दिन तो गंगा भागीरथी में जाएगा वहां पे इतना किसको टाइम है जी 50 दिन तो वहीं में रहे बिग बॉस का शो हो जाएगा ही तो 3 महीना रहता है ना आगे बढ़े जहाज में गंगा विलास यहीं से गया था पटना से ही आज देखे थे चलो बढ़िया
पटना से ही किया था, गंगा नदी के होते हुए वो हुगली में मिलेगा, मतलब गंगा के रास्ते फिर भागीरथी में चला जाएगा, फिर ब्रह्मपुत्र में मिलते हुए बांग्लादेश के रास्ते कहाँ चल जाएगा? असम। तुम देखे थे कि बैठे थे तो उतार दिए थे सब? अच्छा बस देखने गए थे। चलिए।